नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनको मिले हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक महीने ओनली अफर्मेशंस बोली हैं, लिखी भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, अफर्मेशंस बोली हैं और इनको रिजल्ट्स मिल गए हैं एज इट इज। ठीक है, सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है। ये उन लोगों के लिए तो सच में बहुत काम किया जो लोग लिख नहीं पाते हैं, जो लोग लिख करके रख नहीं सकते हैं घर पर, और वो ये हमेशा पूछते हैं कि कैसे करें कैसे करें, हम लिख नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप इनकी सक्सेस स्टोरी से अपने लिए हल निकाल सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये बोल सकते हैं अफर्मेशंस को। ठीक है। हेलो शांभवी दीदी, मैं बहुत 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 खुश हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। मैं गवर्नमेंट टीचर के लिए एग्ज़ाम दे रही थी और पहले एक बार फेल हो चुकी थी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था इस बार, पर मैंने सिंपल अफर्मेशंस की हेल्प ली और मैं अफर्म करती रही कि मैं पास हो गई हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मैं गवर्नमेंट टीचर बन गई हूँ। मैं बस पूरा दिन अफर्मेशन ही देती रहती थी, मैं लिखती नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं लिख करके चली गई, पीछे से कोई पढ़ लेगा तो मुझे शर्म आएगी, और इस वजह से भी मैं पहले कोई टेक्निक नहीं कर पाई थी। ग्रैटिट्यूड जर्नल मैं ज़रूर लिखती हूँ, लेकिन उसके अंदर भी मैंने कभी कभार ही मेंशन किया था अपने एग्ज़ाम के लिए। फेल होने के बाद तो बिल्कुल ही मेंशन नहीं करती थी क्योंकि मुझे डर लगता था। मैं अपनी और अफर्मेशन लिख देती थी लेकिन एग्ज़ाम के लिए नहीं लिखती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरे पीछे जाने के बाद अगर कोई पढ़ेगा तो वो ज़रूर मेरा मजाक उड़ाएगा। इसलिए जो भी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं मैं बस उनके लिए ही अपने ग्रैटिट्यूड के अंदर लिखती थी और अपने पास होने के लिए अफर्मेशन में ऐसे ही देती रहती थी। अब इसी बीच मेरे एग्जाम्स आ गए तो मेरे अफर्मेशंस का जो फ्लो था वो टूट गया। मैं ये भी भूल गई कि मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैं अपनी तैयारी अपनी हर चीज़ के लिए ऐसे लग चुकी थी कि अब मैं सच में भूल ही गई कि मैंने अफर्मेशन ही देना छोड़ दिया है। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, ये सब भी अपने आप ही छूट गया। मेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक आए, मैंने एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद से मुझे याद आया कि अरे मैं तो अफर्मेशंस दे रही थी पर अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है देने का, जो होगा देखा जाएगा। और जो होगा देखा जाएगा, मैंने जैसे ही ऐसा सोचा मुझे इतना हल्का और इतना रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद जो रिजल्ट्स आता है वो ये आता है कि मैं पास हो गई, मेरा सचमुच में क्लियर हो गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं गवर्नमेंट टीचर के लिए एग्ज़ाम जो दे चुकी हूँ वो क्लियर हो चुका है और मेरे लिए सिंपल अफर्मेशंस ने ही काम कर दिया है। अब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर खुशी खुशी लिख सकती हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो करके आया है, मैं सचमुच में पास हो गई हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम रियली 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 वेरी हैप्पी शांभवी दी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा क्लियर हो गया है, जब दोबारा देखा तो लगा ओ वाओ मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, और ये सोचा कि अब शांभवी दीदी को सक्सेस स्टोरी सुनानी तो बनती है। थैंक यू सो मच बजरंग बली, थैंक यू सो मच शांभवी दी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। देखिए, आपका अगर सबकॉन्शियस उसको लेकर प्रोग्राम हो गया, अगर आप अपनी अफर्मेशंस को बोलते हैं और धीरे से वो अपने आप ही कभी छूट जाती है, उसके बाद आप एकदम रम जाते हैं, आप अपना काम करते हैं और उसके बाद आपको उसके अंदर कोई फील नहीं आ रहा। एक तो देखो फील तब नहीं आता जब आप बोर हो गए हो, आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, आप कह रहे हो छोड़ो, लेकिन एक बार आप एग्जाम दे रहे हो रिजल्ट के लिए ही दे रहे हो ना, लेकिन आप उस बीच में कहते हो छोड़ो यार छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, और फिर आप हल्का फील करते हो, ये बहुत बड़ा साइन होता है आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने का। तो इनको ऐसा फील हुआ और इनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, तक फिर अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।